उसको हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग की अनुभूति कब प्राप्त होगी? देखो, अगर मान लो तुम ऐसी कोई जगह पे जाओ जहाँ पे फॉरेस्ट है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, है ना। आज के जमाने में तो यही स्वर्ग है कि बहुत सारे पेड़ है, ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यार करना है। एक लेक कल कल करती हुई लेक बह रही है, अरे सर मजा आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ जो है कोयल कू कू बोल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हिरन दौड़ रहे हैं, यहाँ पर समझ रहे हो, तो फॉरेस्ट है, लेक है कल कल बहती हुई, रिवर निकल रही है यहाँ से, फिर एक बड़ी रिवर निकल रही है जिसके अंदर लेक मिल जा रही है, अरे सर मजा ही आ गया। और तुम ऐसे यहाँ पे रिवर के किनारे बैठे हो यहाँ पर, और यहाँ चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही है आपको, मोर बोल दिया, कोयल बोल गई, अरे भाई सर अब इससे ज्यादा तो हमको कुछ चाहिए नहीं। और तुम्हारे अंदर एक ऐसी अनुभूति हो रही है, कैसी अनुभूति की यार हमें इन लिविंग क्रिएचर्स की तरफ हमको कितना ध्यान आ रहा है तुमको इनकी तरफ, कि यार ये लोग जो है एनवायरमेंट जो है कितना अच्छा है, एक सर स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। सेवन का मतलब हेवन, थ्री सीन याद आ जाएगा, सेवन से हेवन याद आ जाएगा, हेवन से सीन याद आ जाएगा कि फॉरेस्ट, ठीक है, ये चिड़िया चहचहा रही है, जंगल में हिरन घूम रहे हैं, ठीक है, बारहसिंहा घूम रहा है, राइट। तो फॉरेस्ट के बाद अगर आप देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट के बाद वाइल्ड लाइफ, लेक बह रही है, लेक भी बह रही है, दो वाटर बॉडी होगी, लेक भी बह रही है और रिवर भी बह रही है, लेक जाकर रिवर में मिल जा रही है। तो फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ, ये चार चीजें। और ये सब चीजें जब आप देख रहे हो यहाँ पर, तुमको यहाँ पर अंदर से तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रही है यार सब क्रिएचर के प्रति अच्छा हो, सर्वे सुखुना, सब सभी सुखी रहे, ठीक ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रही है, तो मतलब एक कंपैशन आ रहा है तुम्हारे लिए लिविंग क्रिएचर के प्रति, कंपैशन आ रहा है लिविंग क्रिएचर के प्रति, एक अच्छी फीलिंग आ रही कि यार हमको इनके लिए कुछ करना चाहिए। ये जो चीज है दैट इज सेवन, ये सारे सारे पॉइंट आपको क्या फॉरेस्ट का मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी में, ऐसे पूछेगा वो, क्या वाइल्ड लाइफ का मेंशन है, क्या लेक का मेंशन है, क्या रिवर का मेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे पूछेंगे। तो तुमको ये सीन याद आ जाने चाहिए, सेवन के अंदर है, हम बताए तुमको, अरे हाँ है सेवन के अंदर है, सेवन इक्वल टू हेवन, और हेवन में हमने देखा था कि हम रिवर के किनारे बैठे थे और रिवर के अंदर से यहाँ पर एक लेक आ रही थी, सब जगह फॉरेस्ट था, चिड़िया चहचहा रही थी, ठीक है, हिरन दौड़ रहे थे, राइट, खरगोश भी जा रहे थे, तो वाइल्ड लाइफ के प्रति हमको बहुत अच्छा लग रहा था, कितना अच्छा है, हेवन जैसा ही था। आज के जमाने में ये मिल जाए बहुत है। तो सेवन को अपन ऐसे याद करेंगे, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, लेक को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, रिवर को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, वाइल्ड लाइफ को, एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर के प्रति कंपैशन भी रखना है,